Dear students, in this video showing of the categories of the fundamental rights, but already I have explained the categories of the fundamental rights. Now fundamental rights are classified from the 7 categories, and number 1, the right to equality, article number 14 to 18. Second, right to freedom, article number 19 to 22. Third, right to against an exploitation, article number 23 to 24. Fourth, right to freedom of religion, article number 25 to 28. Fifth, cultural and educational right, article number 29 to 30. Sixth, right to private property, article number 31st. Seventh, our things are going on the seventh and last categories, right to constitutional remedies, article number 32. Right to constitutional remedies, last but not least, the constitution grant right to constitutional remedies to the citizen. In fact, the mere declaration of fundamental right in useless and unless effective remedies are available for the enforcement. This has been ensured under the article number 32, which grant the right to move the Supreme Court by a superior proceeding for the enforcement of the right conferred by the Constitution. This Supreme Court has been vested with the authority to issue direction or order or writ, including writ in the nature of the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warrant and certiorari, whichever may be constitution. The parliament can also confer similar power on the court. Dekhiye, our these fundamental rights are related to the judiciary, but our parliamentary form of government, legislature, executive and judiciary. Legislature is higher law making body, executive means administrative body, judiciary is justiciable. जहाँ पे हमको इंसाफ दिया जाता है, हम हमारे कानून का सहारा लेकर हमारे हक को, हमारे राइट को हासिल कर सकते हैं. तो नाउ दिस कैटेगरीज, अकॉर्डिंग टू दिस राइट वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस. दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड दे आर फाइव मेथड. दे आर फाइव मेथड वी कैन मूव द कोर्ट. इसके 5 प्रिंसिपल, 5 असूल हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, जिसके जरिए हम वैल्यूएशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट बट वी कैन जस्टिसिएबल फॉर द जुडिशरी, और जिसके जरिए, जिसके सहारे से हम जुडिशरी से हम जो है हमारे इंसाफ को हासिल कर सकते हैं. नंबर 1, हैबियस कॉर्पस. नाउ हैबियस कॉर्पस मीन्स इट इज़ द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू टेक अ रिट रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर judges or into court, especially to secure the person release unless lawful ground are show for their detention in these following orders not given. Number 1, if the arrest is legal. यानी इसकी मीनिंग क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो भी क्रिमिनल पर्सन अरेस्ट हुआ है तो वो इलीगल है या लीगल है, यानी कानून के दायरे में अरेस्ट किया गया है या इलीगल अरेस्ट किया गया है. इफ़ द अरेस्ट इज बिकॉज ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और जुडिशरी. इफ़ द अरेस्ट इज बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, यानी लेजिस्लेचर से इसका कनेक्शन क्या है. बट नाउ दे आर वेयर टू अगेंस्ट ऑफ द लॉ रूल रेगुलेशन. बट फॉर एग्जाम्पल द अफजल गुरु टू बम स्पोर्ट्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट. तो नाउ रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन, बट नाउ दे आर वेयर अरेस्ट एंड लीगल अरेस्ट यानी कानून के दायरे में उसको अरेस्ट किया गया. बट नाउ दे आर केस इंटर्ड इन देयर हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा. देन आफ्टर द सेकंड सर्टोरी. सर्टोरी मीन्स द मीनिंग ऑफ सर्टोरी इज टू बी सर्टिफाइड. दिस रिट इज इश्यूड व्हेन एनी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज अ रॉन्गफुल ज्यूरिडिक्शन एंड डिसाइडेड द केस
द पार्टी इफेक्टेड कैन मूव दिस रिट टू हायर कोर्ट लाइक द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. रिट ऑफ सर्टोरी कैन बी इश्यूड टू द कॉसी जुडिशियल और सबऑर्डिनेट कोर्ट व्हेन दे एक्ट. अब देखिए, सर्टोरी मीन्स सर्टिफाइड. सर्टिफाइड मीन्स यानी द केस इज़ वेरिफिकेशन. अब देखिए, हर केस जो है अपनी जगह एक अलग नवयत का होता है, अलग अलग मानी रखता है. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हायर कोर्ट, हायर कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट द स्टेट कोर्ट ऑफ इंडिया. बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू कंसिस्ट ऑन डिपेंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. बट वेरीफिकेशन ऑफ द कोर्स कोर्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमारी किसी ने मुर्गी चोरी कर ली, कोई हमारी बकरी चोरी कर ली, बाज़ मरतबा हमारी साइकिल व्हीकल्स चोरी हो जाती है, हमारे घर के बाज़ मरतबा पैसे और जेवरात चोरी होते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में ये रिट को हम कहाँ पे इंटर करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरीफिकेशन ऑफ द केसेस, वेरीफिकेशन ऑफ द रिट. अच्छा, अब कुछ ऐसा होते हैं, जैसे मैं कभी बताई ना कि बम स्पोर्ट्स फ्रॉम द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बम स्पोर्ट्स हुआ. एबोलिएशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर. बट एबोलिएशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर, दिस केस इज़ द टेलिंग एग्जाम्पल. और फिर इस तरीके से गुजरात रॉयट्स एंड गोधरा रॉयट्स, तो दीज बिल्किस बानो केस, द नंबर ऑफ केसेस, तो वेरीफिकेशन ऑफ द केस. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी बकरी चोरी होती है, अगर हमारी मुर्गी चोरी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये केस हम डायरेक्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में इंटर्ड करें, ये रिट जो है हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें. बल्कि हम ये केस जो है कहाँ पे दाखिल करेंगे, सबसे पहले हमारे लोअर कोर्ट में दाखिल करेंगे, पेश करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करेंगे एज वेल एज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरीफिकेशन ऑफ द केसेस, वेरीफिकेशन ऑफ द रिट, एंड देन आफ्टर टू इंटर्ड इन देयर कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल द लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड थर्ड जो है मैंडेमस. And the term mandamus is Latin means we command. इसकी meaning क्या है? We command कि कितना हमें अधिकार और कितना हमें power है. This writ is issued to a public official who refrain from performing his public duties which he is obliged to do. This writ can also be issued to any public authority including the government, corporation and court. Committees and act which is determinal to the welfare of the general public. This writ however cannot be issued against the president and the governor. देखिए, ये writ जो है ख़ास तौर से related to the public authority and public duties. But now that's the time the variations of the law. For example, now the our bill passed of the against of the talaq of salasa, now the NRC, nowadays the facade of the right of the Delhi Jamia Millia Islamia and Geneva University. तो सो एज वेल एज द नंबर ऑफ केसेस. बट नाउ टू इलीगल अरेस्ट द उमर खालिद एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेस्टेड बाय द जिनेवा दिल्ली रॉयट. तो सो एज वेल एज, बट दैट्स टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू गिव द सपोर्ट, टू गिव द सपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑफ द जस्टिसिएबल. सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल एंड टू गिव द टू प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. दैट्स टाइम ज्यूरिडिक्शन एंड जुडिशरी इज द गार्जियन एंड कस्टोडियंस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट. तो नाउ नोन एज मैंडेमस, बट नाउ वी कमांड. And then after the VO, KIO warrant. KIO warrant means by what warrant. But now to prove and unprove of the court of the cases about the public relief, public policies and about the public ordinance. यानी देखिए, ये केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा पूरा राइट होता है कि अगर उसको किसी के भी खिलाफ थोड़ा सा सबूत मिलता है या कोई शक होता है, तो ऐसी सूरत हाल में, बट नाउ दे आर
use of the right against of their violations of fundamental right and violation and restrictions of the fundamental right, the Supreme Court of India use of their authority, the quo warranto, but under the 24 hour the live and dead body to present in their court. और उसमें ये order, ये warrant जारी किया जाता है कि 24 hours, during the 24 hours the dead body and live body present in their court, यानी court के अंदर जो है वो पेश किया जाए. तो now this, if a person occupies a public office without being qualified for the office, then his writ is issued to restrain the concerned authority from discharging his duties. The High Court of that particular state has the authority to issue this writ and direct the person to vacate the office in question. The writ of quo warranto is issued in three instances when the office in question is a public office and is substantive in nature. Second, the state or the constitution has created the office. Third, the public servant respondent should have asserted a claim on the office. For example, the Yakub Memon case. है ना, याकूब मेमन का केस, जैसे बॉम्बे बम ब्लास्ट में अरेस्ट लिया गया, अरेस्ट हुए, उनको फांसी की सज़ा हुई, बट नाउ दे आर कोर्ट टू ओपन द इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपन द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाफ डे नाइट द 3 AM. आप जैसा कि जानेंगे कि याकूब मेमन के दफ़े में सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक के मतलब आवास पर, पब्लिक के जो है डिमांड पर, हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को रात को 3 बजे जो है खोला गया. तो दिस एग्जाम्पल ऑफ द क्यो वारंट. एंड देन आफ्टर द लास्ट नंबर प्रोहिबिशन. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड टू अ सबऑर्डिनेट टू केस डूइंग समथिंग विच इट इज नॉट सपोज टू डू एज पर लॉ. Normally this writ is issued by the superior court to the lower court when the lower court tries to exceed the limit of jurisdiction vested in it. Likewise, if the court act in absence of jurisdiction, this writ can be issued. Once this writ is issued, the lower court is under an obligation to stop it proceeding. One cannot issue this writ against a public official who does not have judicial or quasi-judicial power. Means prohibition. Prohibition means, देखिए बाज़ मरतबा हमको इंसान कोई भी केस जो है कहाँ दाखिल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमको जो है इंसाफ नहीं मिलता है. अनसेटिस्फाई, हम गैर मुतमईन होते हैं, तो हम ये केस को कहाँ दाखिल करते हैं, हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं. अब हाई कोर्ट में जब हम दाखिल करते हैं तो हाई कोर्ट, बट नाउ कीनली ऑब्जर्वेशन देयर डिसीजन एंड देयर रिट. तो हाई कोर्ट क्या करेगा, पहले उस पर एक ऑब्जर्वेशन लेगा, उस पर जो है एक डिसीजन देखेगा कि इट इज़ राइट इट इज़ रॉन्ग, कि ये केस की जो डिसीजन है ये गलत है ये सही है. बट नाउ देयर केस रिटर्न इन देयर लोअर कोर्ट, और वो केस को, वो रिट को फिर से वापस जो है लोअर कोर्ट में दाखिल कर देगा, पेश कर देगा. बट नाउ टू गिव द एडवाइस, टू गिव द एडवाइस कि यू री ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर केस, कि फिर से जो है इस केस पर जो है नज़र सानी की जाए. तो नाउ सेज दैट प्रोहिबिशन. बट नाउ फॉर एग्जाम्पल टूडे आव द टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ द एबोलिएशंस ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर केस. बट नाउ दे आर टू पार्टी इंटर्ड अनसेटिस्फाई देयर डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट नाउ दे आर केस टू इंटर्ड इन देयर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. तो वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हैं, तो उन्होंने क्या किया कि ये केस को आप कहाँ दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं. तो नाउ दिस इज दैट द प्रोहिबिशन. तो दिस द लास्ट कैटेगरीज, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी रोड दैट इन आर्टिकल नंबर 32, बट नाउ कंसिस्ट ऑफ द 5 मेथड्स. एंड नंबर 1 सार्टोरी, मैंडेमस, क्यो वारंट, प्रोहिबिशन एंड हैबियस. तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट. नाउ दिस चैप्टर इज एंड. ओके, थैंक यू वेरी मच.
हम लोग को इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, 20 साल हो गए सर्विस को।